सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन इंडिपेंडेंस, यानी स्वच्छता स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह विचार मेरा नहीं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। उनका यह मत तब का है जब वे देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगर विचार व्यवहार में शामिल ना हो तो वह वाद विवाद तक ही सीमित रह जाता है। आज के नुक्कड़ नाटक के द्वारा हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम राष्ट्रपिता के विचार को व्यवहार में शामिल कर सकें। सक्सेना जी, तुम्हें नहीं पता संस्थान स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा। अच्छा। हाँ। अम्मा चलेंगे, दो फोटो खिंचाएंगे, खिसक लेंगे। अरे भाई, तुम लोग कौन हो और हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कलयुग आओ भाई, अब डस्टबिन हमें स्वच्छता का पाठ पढ़ाई। अरे चलिए मिश्रा जी, अपना हाथ और मूड मत खराब कीजिए, ये सब चपूर के लड़के साफ कर देंगे। गाड़ी वाला आया घर से। अरे बिमला, कूड़ा फेंकने जा रही हूँ पार्क में। अरे वहाँ तक क्यों जा रही है? अरे हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं, सभी यही तो कूड़ा फेंकते हैं। अरे ये क्या किया, कूड़ा सड़क पे फेंक दिया। कूड़ा मत फेंको यहाँ वहाँ, कूड़ा डालो सही जगह। कूड़ा कहाँ फेंकना है ये मुझे मत बताओ, कूड़े वाले तुम हो, चलो कूड़ा उठाओ। और तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये तो मुझे क्या दे रहे हो, अपनी औकात में रहो, मुझे मत लगो। तो देखा साथियों, इनको कूड़ा सही जगह डालने को कहा तो इन्होंने हमें हमारी औकात बता दी। साफ सफाई रखना, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना, ये तो हम सब की ड्यूटी है। अरे भाई, जब हम सुधरेंगे तभी तो देश सुधरेगा। इधर से आया, कचरा उधर से आया, कचड़े ने कर दी सड़के जाम। हाय रे कचड़े से परेशान,
कचरा ये तेरे पीछे, कचरा ये मेरे पीछे, बीमारियों ने ले ली मेरी जान। हाय रे मच्छरों से परेशान, तो देखा साथियों हमारे छोटे से प्रयास छोटी सी जागरूकता से ही स्वच्छ भारत अभियान को सही दिशा मिल सकती है। हमें लगता है कि हमारे एक के प्रयास से क्या होगा, हाँ एक के प्रयास से तो नहीं, एक एक के प्रयास से। सोचिए और अभी से शुरुआत कीजिए। मुश्किल सफ़र हो आसान, मुश्किल सफ़र हो आसान, आओ साथ चलकर देखें, कुछ तुम बदल के देखो, कुछ हम बदल के देखें। चलता हूँ दुआओं में याद रखना, चालू साल भर ये सफाई अभियान रखना। कचरा तेरा मैंने ले लिया, तुझे स्वच्छता का वरदान दिया। बंधु भैया रे मैया, मैया रे मैया रे, बंधु भैया रे साथिया साथिया। आपने देखा कि किस तरह से इन छोटे छोटे बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। मैं चाहूँगा सारे बच्चे एक बार पुनः स्टेज पर आ जाएं, सभी बच्चे आ जाएं और मैं सबका परिचय कराऊंगा किसने क्या रोल किया था। छोटे छोटे बच्चे सब स्टेज पर एक बार फिर से आ जाएं और इन नन्हे मुन्नों का तालियों से आप स्वागत करिए। ये बहुत ही कम बहुत छोटा सा नुक्कड़ नाटक था लेकिन मैसेज बहुत बड़ा था। वहीं खड़े रहो, सब लोग वहीं खड़े रहो। और ये नाटक जिन्होंने लिखा है, इन बच्चों को खूब सारी ट्रेनिंग करी है, इसका निर्देशन किया है, वो जगदीश जी। एक बार आप भी आ जाइए, जगदीश जी के लिए भी अच्छी ताली बजा दीजिए, क्योंकि बच्चों के साथ में मेहनत करना बहुत कठिन होता है। बड़ों को सिखाना आसान है, बच्चों को सिखाना बहुत कठिन काम है। एक बार मैं पात्र परिचय करा देता हूँ। मिश्रा जी के रोल में थे नमामि मिश्रा, हाथ उठाओ अपना, नमामि मिश्रा के लिए ताली बजाइए। और सक्सेना जी के रोल में थे शिवम, और जो नरेटर थे जिन्होंने नरेट किया वो हैं आर्यन। और मैं डिब्बों की बात करूं तो हरा डिब्बे का रोल किया था आद्विक ने, गुड। नीला डिब्बा का रोल किया था चैतन्य ने, और दो रोल प्ले किए थे पीला डिब्बा और विमला का अक्षरा शुक्ला ने। और रोल एक और रोल था महत्वपूर्ण सुनीता, जिसे प्ले किया था संहिता ने। और गाड़ी वाले के रोल में थे उदय, और जो पीछे से कोरस हो रहा था जिन्होंने सिंगर का रोल प्ले किया था उनमें हैं अदिति मिश्रा और सोनाक्षी। और दर्शक की भूमिका में थी रेनी जेनी, इन्होंने बहुत अच्छे से देखा और डिस्टर्ब भी कर रहे थे। इधर ये दो बच्चे बैठे हुए हैं, इनके लिए भी एक अरविंद का है और एक का नहीं पता किसका है जिसका भी है। बहुत अच्छे से स्टेज पे खड़े होने का सलीका उसे पता है। और इन दोनों बच्चों के लिए भी ताली बजा दीजिए और धन्यवाद ज्ञापन हो। हाँ, और मैं अब बस एक मिनट और चाहूँगा मैं आपका। बहुत अच्छा ये स्वच्छता का कार्यक्रम हुआ, टाइम से शुरू हुआ और टाइम से पहले ख़त्म हो गया। 5:30 तक हमने सोचा था लेकिन ये 5:03 पे ही हमारा कार्यक्रम ख़त्म हो गया है।
इसी तरह से हमारा जो स्वच्छता अभियान हम लोगों ने चलाया था वहाँ पर स्टेडियम के पास में, कुलकर्णी सर उसमें अगुवाई कर रहे थे, वहाँ भी बहुत अच्छा काम हुआ। आप लोग जाके देखिएगा कि स्टेडियम के पास इतनी गंदगी रहती थी, वो यहाँ के लोगों ने मिल करके उस गंदगी को पूरी तरह से साफ कर दिया है। और बच्चों ने बताया कि स्वच्छता अभियान एक दिन नहीं बल्कि पूरे साल भर इसे आप चलाते रहिएगा, तो हम सब लोग मिल करके यहाँ खूब अच्छी साफ़ सफाई रखेंगे। इस वादे के साथ में मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कुलकर्णी सर को कि आप आए। नहीं तो दो शब्द आप, कि आपकी अगुवाई में सारा कार्यक्रम हो रहा है। अरविंद, हाँ अरविंद और जगदीश में से अरविंद जी आ जाएं। अरविंद धन्यवाद ज्ञापन कर दें सबका एक बार। धन्यवाद ज्ञापन करने में कुछ नहीं लगता है, बहुत आसान होता है, सबको थैंक यू ही बोलना होता है। तो अरविंद जी आ जाए, तुम ही कर देते, तुम कर दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग आए। सबसे ज़्यादा जरूरी यही था कि आप लोगों का यहाँ पे उपस्थिति सबसे ज़्यादा अनिवार्य थी। बच्चों ने बहुत मेहनत की और बहुत ही कम समय में, दरअसल हम लोग पहले ये प्रोग्राम कर रहे थे कि हम नुक्कड़ नाटक को वास्तव में नुक्कड़ पे ले जाके करेंगे, और हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि हम कैफेटेरिया के पास नुक्कड़ नाटक करेंगे, लेकिन गर्मी और हीट वेव्स को देखते हुए और बच्चों से जब कराने का प्लान हुआ तब फिर हम लोगों ने इसको ऑडिटोरियम में शिफ्ट किया। और बच्चों ने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से तैयार किया, और बहुत डर लग रहा था कि बच्चे ऐसा ना हो कि साइलेंट हो जाएं या रैनी जैनी की तरह लड़ाई करने लगें। बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी जब रिहर्सल करवा रहे थे, बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं मिला, उसके बावजूद इतने कम समय में बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया। कुछ मुश्किल डायलॉग भी थे, उनको भी बोला बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का, और उनके पेरेंट्स का भी जिन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को तैयार किया और समय पर भेजते रहे प्रैक्टिस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो आज के कवि थे, संदीप जी का, सरिता का और रामजीत जी का, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और बहुत अच्छी बातें अपने हम लोगों के बीच में रखी। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार, मेरा नाम लेना भूल गए, मैं खुद को धन्यवाद कह रहा हूँ। और अब सारे लोग वहाँ चाय अच्छा चाय नहीं है तो आप लोग झाड़ू उठा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।